हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा सीएससी सेंटर है जहाँ मैं चलाता हूँ। अभी मैं दुकान बंद करके जाने वाला था, मैंने सोचा एचपी क्यों नहीं। 416 का प्रिंटर है, इसमें फोटो स्टेट कैसे करता है यही मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ फरमान, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो फरमान में। कमेंट्स रखे हैं उसने देखे गया था, तो सबसे पहले मैं यही दिखा देता हूँ सिंगल पेज की फोटो स्टेट किस तरीके से करनी है आपको, किस तरीके से इसमें पेपर रखते हैं। तो हमने एक ऐप खोला, ये अपना प्रिंटर कनेक्ट कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ जाना है, इसके ऐसे रख देना है जिस साइड की वो उल्टा करके यहाँ से टच कर देना है, फिर ऊपर का ये बंद कर देना है। और फिर यहाँ आपको ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो कॉपी करने के लिए ये जो बटन है ना, इसको प्रेस कर देना है। मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर एक लिखा हुआ जाएगा, ये मैं कर देता हूँ। ये मैंने किया और यहाँ पर वन लिखा हुआ आ गया। अब ये देखिएगा, यहाँ से पेपर जाएगा, ये पेपर खींचा, ये दिख रहा होगा आपको। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को साथ दबाएं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करें, नया चैनल है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी फ़ोटोकॉपी आ जाती है। अब आपको अगर इसके पीछे साइड बैक साइड करना है तो बैक साइड करने के लिए आपको फिर से पेपर डाल देना है पलट के। मेरा सिंगल हैंड हो रहा है ना, एक से मैंने हाथ मोबाइल पकड़ रखा है, इसलिए लिखा था। इसी के पीछे करना है, मैं उसी की कर देता हूँ। तो फिर से हम दबा देंगे, ये हमारा एक लिखा हुआ गया है और फिर से वो उसके पीछे आ जाते। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी करनी हो तो वो उसकी कैसे करते हैं। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी कैसे करें, क्योंकि आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी जो आती है एक ही पेज पर एक ही प्रिंट आती है। तो आइए ये भी मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में। तो मैं पहले एक आधार कार्ड देख लेता हूँ, अपने ही देख लेता हूँ। दोस्तों, प्राइवेसी और पॉलिसी की वजह से मैं आपको आधार कार्ड तो नहीं दिखा सकता, लेकिन इसको आप आधार कार्ड ही मान लीजिए, क्योंकि मैंने आधार कार्ड का एक सैम्पल सा बना लिया है। यहाँ पर आपका एक फ़ोटो होता है, यहाँ पर नाम, डेट ऑफ बर्थ ये होता है, पीछे आपका एड्रेस और फादर नेम होता है, और नीचे आपका आधार कार्ड नंबर है। आपको ये इमेजिन करना है कि ये आपका आधार कार्ड है, क्योंकि आधार कार्ड का साइज़ भी कुछ ऐसे होता है। तो मैं इसके थ्रू आपको बता रहा हूँ कि आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी कैसे की जाती है एचपी प्रिंटर में। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए सबको सबसे पहले आपको जो फ्रंट साइड होती है, फ्रंट साइड जो होती है ना, उसको इस साइड रखना है। इस साइड आप यहाँ रख देंगे फ्रंट साइड, और इसको बंद कर देंगे और पहले ये बटन दबा देंगे। ये हमारा आ रहा है, ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है आपको, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने इसलिए शटर भी गिरा रखा है नीचे के ट्रैफिक ना है। देखिए, ये हमारी फ्रंट साइड हो। अब हमें दूसरी जो साइड चाहिए ना, ये इधर चाहिए, दूसरी साइड इसके ही बगल में होगी, इसकी साइड। तो उसके लिए आपको जैसे ही पेपर है, इसी पेपर को ऐसे रखें, देखें ध्यान से देखना, ऐसे ही रखना है। ये मैंने ऐसे रख दिया। अब आपको ये ढक्कन फिर से खोलना है, हमने पहले यहाँ रखा था। अब हम इसको क्या करेंगे, बैक साइड को ऐसे रख देंगे, इसके बाजू में जहाँ हमने फ्रंट यहाँ रखा था, बैक साइड हम यहाँ रख देंगे। ये मैंने रखा, इसको बंद किया और ये फिर से प्रेस कर दिया। ये देखिए, ये हमारी फ्रंट साइड हो गई, ये हमारी बैक साइड हो गई। तो इस तरीके से आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ भी जो मतलब कार्ड का हो, आगे पीछे की कॉपी करनी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अपना अभी न्यू चैनल है अपना, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें अपने भाई को।